हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बॉडी को सूटकेस में डाल के डंप किया गया है। सर देखने से तो आदमी लगता है लेकिन इसने साड़ी पहन रखी है। हो सकता है ये कोई आदमी हो या फिर कोई किन्नर। सवाल ये है कि इसे इस तरह से मारकर यहाँ पर डंप किसने किया है, और अगर ये आदमी है तो इसने ऐसा हुलिया क्यों बनाकर रखा है। आदमी वक्त के हाथों मजबूर होकर अपने आप को बदलता है, लेकिन कभी कभी वो इतना बदल जाता है कि उसकी पहचान उससे छिन जाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था जब मैं मुंबई के चारको पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में भी इस माया नगरी ने एक आदमी को इतना परेशान कर दिया कि सबसे पहले उसकी किस्मत, फिर उसके अपने और उसकी जान तक उससे छीन ली। क्या करते हो दादा, इतना काम किया आपके साथ, एक बार डायरेक्टर सर से मिलने दो ना, काम की बहुत जरूरत है। रमेश तुझे समझता नहीं है, अरे ऐसे नहीं मिल सकते। दो मिनट बस, दो मिनट। अरे दादा उसका ड्रेस लेके जाओ ना। चलो यहाँ से चलो। ये हाथ कैसे लगाया? जब काम था ये आगे पीछे भागता था, अब धक्का मारता है। रमेश गुंडागर्दी मत कर, जा यहाँ से। हाँ जा रहा जा रहा, आज काम नहीं है, अपना टाइम भी आएगा, देखना सबको देखेगा मैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा। और नहीं तो क्या, ये अपनी इंडस्ट्री है, इनके साथ इतना काम किया मैंने, आज काम नहीं तो रंग दिखा रहे साले। चाय पिएगा? ये ले। नाम क्या है तेरा? रमेश। तेरा? नाज। देख ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इस इंडस्ट्री में कभी काम है तो कभी नहीं है। एक्टिंग मेरा पैशन है, सब कुछ छूट गया इसके चक्कर में। अपना नंबर दे, कहीं भी कुछ होएगा तो मैं तेरे को बताऊंगी, पक्का। ये कौन? पूनम है। एकदम हीरो लग रहे हो। हाँ तुझे तो मैं हमेशा हीरो लगता हूँ। अरे देख फोन है। अनाज बोल। अच्छा सुन, तेरे को एक एड्रेस भेज रही हूँ, कल 3 बजे ऑडिशन पे पहुँच जाना और अच्छे से करना। हाँ थैंक्स नाज। हाँ सुन ना नाज, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ चल भाई, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके थैंक्स। खुशी तो देखो नाज का फोन आते ही मुझे 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 चेतन क्या 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 बोला क्या बोला तुम? हम लोग बाजार से इतने सारे कपड़े लाएंगे रानी के, है ना? अबे अरे बाप, भूख लगी, भूख भूख। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये एड्रेस है, 2:30 बजे इंटरव्यू के लिए चले जाना। पापा मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे प्यून की नौकरी नहीं करनी है। प्यून की नौकरी नहीं करनी है तो क्या करना है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टिंग करेगा? मिल रही है तुझे एक्टिंग? अरे समझाओ अपने लाडले को, सपनों के घोड़े दौड़ाना बंद करे, जो मिल रहा है वो चुपचाप करे। बाप हूं मैं इसका, बैल नहीं हूं, कमा कमा के खिलाता रहूंगा। संभल के। पक गया हूं मैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू कितना पागल है ना, कितनी टेंशन लेता है तू। वो तुमने सुना नहीं, टेंशन लेने का नहीं बॉस, देने का, समझा? तू हमेशा मुझे एनकरेज करती है, इसीलिए मुझे तू अच्छी लगती है बहुत। क्या कह रहा है तू? यही कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ना मत बोलना नाज। अरे नाज मैडम, आपका शॉट रेडी है, सर बुला रहे जल्दी। हाँ आ रही हूँ। आते हुआ
सुन, तूने आज तक इस सीरियल की शूटिंग से बाहर से देखी है, आज अंदर से दिखाती हूँ। आजा। सी, समझ में आ गया? हाँ। रेडी करें? हाँ जी। ओके। रोल। एक्शन। हाय हाय, बड़ा चांस अब बेटा है हुआ है तुम्हें, मैं पूरा नेग लूंगी। हाँ। कट कट। क्या हुआ? यार इसको बाहर निकालो। और वो सुंदर वाली आई नहीं अब तक? आ गई सर, आ गई। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना फ्लोर पर। जी जी सर, यही हूँ मैं। अब सोच लो, अब भी प्यार करते हो? फ्लोर पर जाना, बाद में बात कर लेना, जा। जी सर। ओके ओके सर, से बाहर आ जाओ। रेडी रोल एक्शन। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पूरा 20,000 ही नेक लूंगी। 20,000? हाँ। 20,000 नाचो रे। हाय रे लल्ला, तेरा दियो रे लल्ला। क्या हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूं बस। बड़ा घर बनाया है हमने। अरे सुखी रहो, आबादित रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। हाय हे रेशमा, बजा रे ढोलक। हाय 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 हाय। बढ़िया मकान बनाया आपने, खूब पैसा लगाया। चलो यहां से। बाबा बाबा बाबा, धीरे धीरे। सब कुछ छोड़ दिया मुझसे, लेकिन इन रिश्तों को कैसे छोड़ू? सपने हमें उड़ने की हिम्मत देते हैं, लेकिन कई बार हमारे सपने हमें मुंह के बल जमीन पर पटक भी देते हैं। रमेश के साथ ऐसा ही हुआ। रमेश एक्टिंग करना चाहता था, हीरो बनना चाहता था, लेकिन काम की कमी की वजह से वो एक किन्नर बन के रह गया, और ये बस शुरुआत थी उसके डरावने अंत की। क्या देख रहा है मेरा बच्चा? पापा का वेट कर रहा है? हाँ अभी आएंगे पापा, मेरा बच्चा अभी आ ही करेगा। चलो मम्मा अभी आपके लिए दूध लेके आएगी। दूध पिया इसने? हाँ। आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। अरे मेरे बच्चा, अरे चांदी चाय मंगाओ ना। हाँ मंगाती हूँ। ए प्रदीप। हाँ। दो में पांच देना। जा उनको पांच कटिंग दे दे। हाय हे नाज, अरे मान जाना यार, देख 2,00,000 रुपया दूंगा। ए प्रदीप, क्यों रे इसके पीछे पड़ा है तू? 2,00,000 कर रहा है। हाँ देख, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे के पीछे पड़ने का। वो तो पंडित जी ने कहा है मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वो काटने के लिए मुझे किसी किन्नर के साथ शादी करनी पड़ेगी।
अच्छा हाँ, तब जाके मेरी किसी लड़की के साथ शादी हो सकती है। ये देख, मैं तेरे को 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। 2 लाख? चांद भी 2 लाख? भैया 2 लाख दे रहा है, 2 लाख देगा तो। अरे मेरे आगे लाइन पड़ी है लाइन। वैसे भी इससे कौन शादी करेगा? अरे ए, तू कर लेना मुझसे शादी। देख 2 लाख रुपया दे दूंगा और शादी के बाद तुरंत तलाक। बोल है तैयार? एक एक तू जाना यहाँ से। ए चांदबी बोलना इसको। हाँ हाँ। अरे ओ प्रदीप भाई। हाँ। तू साली, तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। ए ए, ए भाई, अरे को सूटकेस में डाल के डंप किया गया। एक कूड़ा बीनने वाले ने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। सर देखने से तो आदमी लगता है लेकिन इसने साड़ी पहन रखी है। इनमें से कोई इसे पहचानता है? नहीं सर। हो सकता है ये कोई आदमी हो या फिर कोई किन्नर। सवाल ये है कि इसे इस तरह से मारकर यहां पर डंप किसने किया है? और अगर ये आदमी है तो इसने ऐसा हुलिया क्यों बना के रखा है? अगर ये किन्नर है तो ये हो सकता है कि आपस में कोई लड़ाई हो गई हो और उसी में उसकी जान चली गई हो। ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है उसी चक्कर में किसी ने मार दिया हो। वेरी गुड। ये फूल देख रहे हो? लगता है मरने से पहले इसने कोई पूजा वूजा की है। आसपास कुछ मिला मर्डर वेपन वगैरह? नहीं सर। गायकवाड तुम्हें काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ ये पता करो कि किसी आदमी या किन्नर की कोई मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है क्या। सर इसे इस तरह मारकर सूटकेस में यहाँ पर कोई डंप क्यों करेगा? तू यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। साहब इस बच्ची को रख लीजिए साहब। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ निकलो यहाँ से। साहब ये आपकी बच्ची है, मैं इसे नहीं रख सकती। ये क्या बोल रही हो तुम? कौन सी बच्ची, काहे की बच्ची? तुम यहाँ से निकलो, अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से। साहब जाओ, अगर दोबारा आएगा तो देख लेना। साहब मेरी बात तो सुनी। साहब मेरी बात तो सुनी। साहब सर जहाँ हमें बॉडी मिली है उसके आगे एक सीसीटीवी कैमरा है लेकिन सुबह होने तक वहाँ से 300 से ज्यादा गाड़ियाँ क्रॉस कर चुकी थी। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा टीडियस है रहने, लेकिन फिर भी उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक करो और उसमें से हर गाड़ी के बारे में पता करो। सर मैंने सूटकेस के बारे में पता करने की कोशिश की पर पता नहीं चला क्योंकि वो पुराना सूटकेस था। कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर अभी तक तो नहीं। हमने उसकी फोटो सर्कुलेट की है और हम सारे पुलिस स्टेशन में पता कर रहे हैं। सर बॉडी की पोस्टमार्टम देखो। रिपोर्ट से पता चलता है कि वो बॉडी एक लड़के की है। मौत का समय कल दोपहर 4 और 6 के बीच किसी तेज धार वाली ऑब्जेक्ट से उस पर वार किया गया, 2 स्टैब वुंड्स। लेकिन उसे मारने से पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। हमारे सारे खबरियों को काम पर लगा दो, आखिर पता तो चले कि एक लड़का लड़की बनकर क्यों घूम रहा।
खूब पढ़ाई करो, खूब खुश रहो। चांदवी, देखना रेशमा का फोन नहीं लग रहा और कल रात से आई भी नहीं है वो। अरे छोड़ना, वो भाग भाग गई होगी, वैसे भी वो मुझे सही नहीं लग रही थी। और हाँ, तुझे बताती हूँ मैं, वो तो मुझे जन्म से किन्नर भी नहीं लगती थी। वैसे वो मिली कहाँ थी तुझे? सर, ये आपसे मिलना चाहती हूँ। बैठिए। साहब, वो परसों से मेरी दोस्त रेशमा लापता है और उसी दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। रेशमा की कोई फोटो है आपके पास? है ना साहब। साहब, ये देखो, तुम्हारे पास जो फोटो, दिखाओ इनको। साहब, क्या क्या हुआ? देखिए ये फोटो। हमें कल ये लाश तालाब के पास मिली है। क्या तुम ये जानती थी कि रेशमा एक लड़की नहीं, लड़का है? जी साहब, उसका नाम रमेश था, वो मुझे शूट पर मिला था। पैसों को लेकर बहुत परेशान था वो, इसलिए हमारी टोली में आ गया था। इसका घर कहाँ है? नहीं पता साहब, पर इतना पता है कि उसके घर में उसकी आई, बाबा और एक छोटा भाई है। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई? नहीं पता साहब। इतनी हैरानी की बात है गायकवाड़, मजबूरी में एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का किन्नर बन जाता है। ये रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आखिरी कॉल किसी प्रदीप की थी, और सर मोबाइल लोकेशन भी प्रदीप के घर के आसपास की बता रहे हैं। रिकॉर्ड, इस प्रदीप को उठा लो। रेशमा, रेशमा को कैसे जानते हो? सर, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे? हुआ ये है, प्रदीप की रेशमा का मर्डर हो गया, और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर से पहले आखिरी बार उसने तुम्हें कॉल किया था, और जब उसका मर्डर हुआ तो उसकी मोबाइल लोकेशन भी तुम्हारे एरिया की थी। अब बताओ। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो उससे शादी की थी। शादी? हाँ सर। एक मर्द के साथ शादी? क्या? नहीं सर, रेशमा तो एक किन्नर थी, मैंने उससे शादी की थी। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मेरे ग्रह नक्षत्र काटने के लिए एक किन्नर से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उससे शादी की थी, और शादी के बाद वो चली गई सर। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसका मर्डर कर दिया? पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो गई? क्या हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, उसने मुझे कहा था कि शादी करने के बाद तुम्हें मुझे 2 लाख रुपया देना पड़ेंगे। मैंने उसको 2 लाख रुपये दिए भी थे सर। मेरा अगर झूठ लग रहा है तो आप पंडित जी से पूछ लीजिए सर, वो थे वहां पे। तो पंडित जी, आपने इस प्रदीप की शादी रेशमा से करवाई? जी सर। और शादी की विधि संपन्न होते ही मैं भी वहां से चला गया, और रेशमा भी मेरे पीछे पीछे चली गई थी। हाँ सर, वो रेशमा मेरे घर से निकल गई थी सर, फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक काफी देर तक वो तुम्हारे एरिया में ही थी। पता नहीं सर। सच बोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा उसके साथ किसी बात से झगड़ा हो गया और तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, सर मैं क्यों झगड़ा करूं उसके साथ सर, वो लोग तो ऐसे ही छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे सर। एक बार तो मेरे रेस्टोरेंट में ही मेरे कस्टमर के साथ उनका झगड़ा हुआ था सर, विपुल भाई नाम है उनका। सर सच कह रहा हूँ सर, वो विपुल भाई ने भी एक बार मारा था रेशमा को। तेरे रेस्टोरेंट में CCTV कैमरा है? जी हाँ सर। राणे, चला गया उनसे, और उस दिन का सारा CCTV फुटेज निकालो। सर चलो। और पंडित जी, इसके बाद अगर ऐसे ऊट पटांग उपाय किसी को बताए तो अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में उठा के अंदर डाल दो। जाइए। अब तेरे पास गाड़ी है? हाँ सर है। जा। थैंक यू सर।
रिकॉर्ड, इस प्रदीप के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक और बात, इसके पास जो भी गाड़ी है, हमें वो जो गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके साथ मैच करके देखो। सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब अपने बच्चे को रख लो, मैं नहीं रख पाऊंगी। अरे काहे की बच्ची, मरवाओगी क्या? साहब चल निकल। साहब साहब मेरी बात तो सुनो। आनंद, आनंद कौन था? कोई नहीं, तुम जाके चाय बनाओ। हाँ लेकर आती हूँ। ये चांद, रेशमा और नाज, इनका आपस में रिश्ता कैसा? अरे क्या साहब, इनका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। ए चाचा देना रे। अच्छा ए चल भाग, चल ए ए हलकट किसको बोल रहे हैं? तू अपना काम करना, मर धोकर यहां तालियां बजाता है। तेरे बाप का क्या जाता है? हट तेरे बाप, हट लग अच्छा हट। और ये जो चांद भी है ना, ये नकली किनारों से बहुत चिढ़ती थी। और रेशमा और नाज, ये भी आपस में लड़ते थे। अरे काहे का झगड़ा साहब, इनके तो बीच चुम्मा चाटी लग रही थी, मैं खुद कई बार देखी। चांद भी? वो क्या है ना साहब, अब कोई आदमी तो मिलने से रहा, तो जो मिलता उसी के साथ चिपक लेते। शुक्रिया। तो तुझे नकली किन्नरों से बड़ी प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होना चाहिए क्या साहब? एक तो भगवान ने हम पर अन्याय किया, वो क्या कम है कि ये मर्द लोग हमारी तरह तालियां बजाकर पैसे कमाते हैं, हमारे पेट पर लात मारते हैं। गुस्सा तो आएगा ना साहब? गुस्सा तो आएगा, सही। अब ये रमेश भी एक नकली किन्नर था, तो जाहिर है तुम्हें रमेश पर भी बहुत गुस्सा आता होगा। नहीं, ये कुछ बोली नहीं मुझे, लेकिन मैं इससे बोली कि उसका कहीं टाका बिड़ा है लड़के के साथ, लेकिन ये मानने कुछ तैयार नहीं थी। हाँ कौन लड़के? वो साहब क्या बोलूं आपको मैं, साहब जब मैं वहां गई ना, उससे पहले वो चली गई थी। वो अगर मिलती ना तो वहीं के वहीं उसका सच झूठ खुलवा देती। हाँ तो नाज, तुम्हें ये पता चल गया था कि रमेश का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, किसी लड़की के साथ, तो गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा क्योंकि तुम्हारा और रमेश का अफेयर चल रहा था। नहीं नहीं साहब, झूठ मत बोलो, मेरे पास गवाह है। जी साहब, मेरे को बुरा लगा था। और इसी वजह से जब रमेश और प्रदीप की शादी हुई, तब तुम प्रदीप के घर के बाहर रमेश का इंतजार कर रही थी। रमेश जब बाहर आया, तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं भले ही किन्नर हूँ, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। प्यार के साथ यही तो परेशानी है नाज, हमें पता ही नहीं चलता कि प्यार कब जुनून बन गया। रिकॉर्ड, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, इससे ये साफ पता चलता है कि जब रमेश और प्रदीप की शादी हो रही थी, तब तुम प्रदीप के घर के बाहर ही थी। अब सच बोलो। नहीं नहीं साहब, मेरे को जब चांदबी ने बताया तो बहुत बुरा लगा मेरे को। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं रमेश को कुछ बोलना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने मोहल्ले के एक बच्चे को उसका पीछा करने को कहा, और वो उसकी फोटो खींच कर मुझे भेजे। इसी वजह से मैंने अपना मोबाइल दिया था। कौन बच्चा? गुड्डू। गुड्डू, उस दिन तुम रेशमा का पीछा करते हुए प्रदीप के घर तक गए थे, फिर तुमने वहां क्या देखा? तुमने रेशमा को उस घर से बाहर निकलते हुए देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैं खेलने चले गया। खेलने चले गए? चलो जाओ, अब भी जाके खेलो, जाओ ले जाइए। या तो नाज ने इस बच्चे को सचमुच अपना मोबाइल दिया था, या फिर वो इस बच्चे से झूठ बोलवा रही है। सर, प्रदीप की कार का नंबर उस दिन वहां जितनी भी कार्स थी उनसे मैच नहीं कर रहा, और सर उसका मोबाइल लोकेशन उस एरिया का नहीं है।
मैंने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, वो आ गई? जी सर। हाँ तो विपुल, तो रमेश को कैसे जानता है? साहब मैं कोई रमेश को नहीं जानता। अरे सॉरी भूल गया, रमेश नहीं, रेशमा, वो किन्नर, उसके साथ क्या लफड़ा था? साहब मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ साहब, मेरा भला किन्नरों से क्या लेना देना। अच्छा अच्छा, देखो विपुल ये क्या है हा? इस रेस्टोरेंट में उसको मारने के लिए तो उसके पीछे दौड़ रहा है, ये क्या है? साहब रेशमा मेरे घर के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा बच्चा चुराना चाहती है, तभी गुस्से में आकर मारा था साहब। अब गुस्से में आकर करड़े तुझे बहुत मारने वाले, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। ये तेरी बीवी कोयल के और रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स, इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती थी। उनके मोबाइल लोकेशन से एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि ये दोनों आपस में कई बार मिल भी चुके थे, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये दोनों मिलते थे तब तू भी उनके आसपास ही होता था। तेरी मोबाइल लोकेशन भी यही बता रही है। अब सच बोल, मैं तो बहुत मार खाएगा तुम्हें। नहीं, नहीं, नहीं। सब सब बता दो साहब, मैंने कोयल को रेशमा के साथ देखा था तो मुझे शक हो गया साहब, मुझे लगा कि ये जरूर कुछ अलग चक्कर है। रुक। देख मैं जानता हूँ तेरा मेरे बीवी के साथ कुछ तो चल रहा है। देख मुझे नहीं जानना वो तेरे जैसे के साथ क्या कर रही है। प्यार करता है उससे? बोलना प्यार करता है उससे, बोल। हाँ तो लेके जा, हाँ लेके जा उसको, मेरे को नहीं चाहिए वो। देख 3 लाख रुपए दे और लेके जा, समझा? सब मुझे लगा कि वो पैसा लेकर आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो मर गया। मर नहीं गया, तूने उसे मार दिया। तू बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा था, जब वो 2 लाख रुपए लेकर तेरे पास आया तूने पैसे लिए, तूने उसको मार दिया और तूने उसकी बॉडी तालाब के पास डंप कर दी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा उसको। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको फोड़ते रहो। सब सब मैंने कुछ नहीं किया। इसकी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक ये कभी उस एरिया में नहीं गया जहाँ मैं रमेश की लाश मिली थी। तो क्या हुआ? हो सकता है कि मर्डर के वक्त अपना फोन घर पे छोड़ के गया। इसको एल को बोलो। सर ले जानी, यहाँ सोएगी और मैं खाना बनाऊंगी, है ना? अरे बाप रे बाप। मार ही डालूंगा आज इसे, पूरा का पूरा तमाशा ही खत्म। छोड़ मेरी बेटी को। तेरी बेटी कहाँ के आई? तुम रेशमा को कैसे जानती हो? सर रेशमा नहीं, रमेश। शादी से पहले से ही मैं उसे प्यार करते थे। well, सुन एक बार मेरी बात सुन। देख मेरी बात तो सुन, मैं तुझे समझा रहा हूँ। क्या सुनूं? बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं। प्लीज कोयल, मुझे थोड़ा टाइम दे। देख मेरा एक रोल फाइनल होने वाला है। ये मैं कब से सुन रही हूँ, मैं बाबा को अब और नहीं रोक सकती। सर फिर मेरी शादी हो गई, लेकिन फिर वो मुझे दिखा जब मेरा बेटा हुआ था। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि उसे वैसे वहां देखकर मुझ पे क्या गुजरी थी। सर वो मेरे पीछे पड़ गया था, वो चाहता था कि मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चलूं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तेरे बिना। देख मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तू एक बार आकर दे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोयल कि रमेश ने तुम्हें इतना परेशान किया कि तंग आकर तुमने उसे मार डाला या फिर मरवा दिया? नहीं सर, मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। और अपने पति से? चलो छोड़ो। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम्हारे पति को, विपुल को, तुम्हारे और रमेश के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर विपुल ने उसको मार दिया। नहीं सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। रमेश के घर वालों के बारे में जानती हो? कहिए। हम रमेश के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं।
बाबा, ये रमेश भैया के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हम किसी रमेश को नहीं जानते। देखिए, आपके बेटे रमेश का मर्डर हो चुका है। हाँ तो जो इतना घटिया काम करेगा उसके साथ ये सब तो होना ही था ना। नाक कटा के रख दी थी उसने समाज में हमारी। साड़ी पहन के औरतों की तरह नाचता था वो। बाबा, बाबा, बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। ये है तू? अरे मैंने तो बेटा पैदा किया था, ये कैसे बन गया तू? देखे, मेरी बात तो सुनिए। बेटा, अरे किसके साथ मुंह कला करके आई थी तू? ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। बाबा, मैं आप ही का बेटा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। उन लोगों में शामिल हो गया था वो, और ये बात ऐसी नहीं है जो बहुत दिनों तक छुपती। एक ना एक दिन सबको पता चलना ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बेइज्जती के डर से आप ही ने उसका मर्डर कर दिया? हाय शपथ, कई बार लगा कि अपने हाथों से उसकी जान ले लूं, फिर लगा कि उसे मारकर खुद को सजा क्यों दूं। सिर्फ इसलिए बच गया वो। भैया बहुत अच्छे थे, उन्हें ना बड़ा हीरो बनना था, लेकिन उनके सपनों ने उनकी जान ले ली। एक आदमी को किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया। रिकॉर्ड, इन सबके कॉल डिटेल्स निकालो। क्या करूं मैं? बहुत कुछ मर जाऊं या तुझे मार दूं, क्या करूं? आशा, ए आशा, अरे बाहर पोलियो का टीका देने आए, रानी को लेके आना। सर, रमेश के परिवार वालों के कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं। जहाँ रमेश की बॉडी मिली थी, इनमें से कोई भी वहाँ भी कभी भी नहीं गया है। और उस एरिया में जितनी भी गाड़ियाँ उस दिन देखी गई थी, उनमें से किसी का भी इनमें से किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आया। नाज और चांद की मोबाइल लोकेशन भी उस एरिया की नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसने भी ये मर्डर किया है, उसने मर्डर करते वक्त अपना फोन कहीं और रखा हो। क्योंकि कैसे है, मर्डर तो हुआ है, अब पता ये करना है कि ये मर्डर किया किसने। हाँ बोला क्या? ठीक है सर, मलाड के एक चौल में एक औरत का मर्डर हो गया। हटिए, चला चला आगे, चला आगे, चला चलो भैया आगे चले। सब मैं सुबह को इधर आई तो ये मरी पड़ी थी। गला काट कर मारा गया है और गले का सारा खून सूख गया है, तो हो सकता है कि ये मर्डर कल रात को हुआ है। रात को आपने किसी को यहाँ पे आते जाते देखा था? नहीं सर। क्या नाम क्या है इसका? आशा। अपनी बच्ची के साथ यहाँ रहती थी साहब। बच्ची? तो बच्ची कहाँ है? बच्ची नहीं थी इधर, लेकिन मुझे लगता है ना इसका पति शंकर ने इसको मारा होगा। वो इधर आया था, 3 साल से उसको हम लोग देखा भी नहीं। आशा पहले दूसरे चाली में रहती थी जिधर मैं रहती थी। मैं इधर आई तो इधर रहने को आई। इसकी बच्ची की उम्र क्या है? 8-9 महीने। इसका ये पति शंकर, ये कहाँ मिलेगा? होएगा उधर ही पुरानी चाली में। शंकर। हाँ बोलो। तू ये? हाँ। खड़े मसला क्या? अरे अरे साहब क्या कर रहे हो साहब? साहब कुछ नहीं किया मैंने। साहब कुछ नहीं किया। अरे साहब साहब ए करड़े करड़े थांबा थांबा। इसका रिकॉर्ड 3 साल से दिल्ली जेल में बंद था चोरी के लिए, अभी अभी रिहा हुआ है। साहब साहब जेल का खाना बहुत पसंद है तेरे को, इसलिए वापस वहाँ की बुकिंग करवा रहा है तू? हाँ साहब साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब,
आपको तो पता है ना, मैं 3 साल साहब जेल में था, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया साहब? गुस्सा तो आएगा ही ना साहब, ऊपर से वो छोड़ के भी चली गई साहब। फिर मैं मंदिर गया, एक दिन देखा तो वो वहाँ पे वो झाड़ू पोछा कर रही थी। किसका बाप लेके घूम रही है? तू बता, तू कहाँ था 3 साल तक? मेरा छोड़, मैं जहन्नुम में था। तू ये बता, ये पहले बच्चा कहाँ से आया? तू मुझे छोड़कर चला गया, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे के लिए मैंने बच्चा पैदा किया, इसके माँ बाप कोई और है, मैंने सिर्फ पैदा किया इसे। साली झूठ बोलती है, इसके बाप के साथ सोई रहेगी तभी तो ये पैदा हुई ना। वो डॉक्टर किरण करके दी मेरे को ये बच्चा। मैं गधा दिखता हूँ तेरे को, जो कुछ भी बोलेगी मैं सुन लेगा। अब तो ना तू बचेगी ना तेरी ये बेटी। रुक साले, भागती का है, रुक। फिर पता नहीं साहब वो कहाँ भाग गई, मैंने उसका बहुत पीछा किया, मैं उसके वो नए चाली में भी गया, लेकिन वहाँ पे साहब उसने बोला कि मैं चोर है। और इसलिए रात को उसके घर में घुसकर तूने उसका मर्डर कर दिया और बच्ची को भगा कर ले गया। बता बच्ची किधर है, बोल। सब सच 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 में मुझे मालूम नहीं है साहब। मालूम नहीं, रेकॉर्ड डॉक्टर किरण को बोलो, आणि करडे खरं बोलत नाही तोपर्यंत फोडून टाकायला। साहब 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 कुठे गया डॉक्टर? ये बच्चे का क्या चक्कर है सर? आशा ने आनंद और उसकी पत्नी पूनम के लिए सरोगेसी करवाई थी। आशा को हुई लड़की और आनंद को चाहिए था लड़का, तो आनंद ने उस लड़की को अपनाने के लिए इनकार कर दिया। हमने भी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया, क्योंकि लड़का हो या लड़की, सरोगेसी करवाई थी तो अपनाना तो था ही। लेकिन कुछ दिन बाद आशा ने कहा कि अगर वो लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो वो खुद उस बच्ची को पालेगी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है, और उस बच्ची में आशा ने अपना सहारा ढूंढ लिया। वैसे हमें ये शक है कि उसके पति शंकर ने ही उसकी जान ली है, लेकिन आपको कुछ और सस्पिशियस नजर आया इस केस में? अब कुछ दिनों से वो आनंद के पीछे पड़ी थी कि वो अपनी बच्ची को अपना ले। मेरे पास भी आई थी कि मैं आनंद के ऊपर प्रेशर बनाऊँ। काफ़ी डरी हुई लग रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ पर जान का खतरा है। ये आनंद कहाँ रहता है? आनंद? यस सर। आप आशा को जानते हैं? इससे पहले कि आप ना कह दें, मैं आपको एक बात बता दूं, हम डॉक्टर किरण से मिलकर ही यहां पर आए हैं। जी सर, जानता हूं। आशा का मर्डर हो चुका है। डॉक्टर किरण ने हमें यह बताया कि आशा पिछले कई दिनों से आपके पीछे पड़ी थी कि आप अपने बच्चे को अपना लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे परेशान होकर आप ही ने आशा को मार दिया? सर ये क्या बात कर रहे सर आप? आनंद, आनंद कौन है? ये बच्चा किसका है? सर ये वही आशा की बच्ची है। क्या? हाँ सर, इन्होंने तो कई बार मना कर दिया था बेटी के लिए, उसके बाद तो हम बच्चा नहीं कर पाए। मैं कई बार गई थी आशा के पास इस बच्ची को देखने के लिए, भले ही सर मैंने इसको जन्म ना दिया हो, लेकिन ये है तो मेरी बेटी सर। लेकिन ये बच्ची आपके पास आई कहाँ से? वो सर कल रात को मैं आशा के घर गई थी। ये बच्चा मुझे दे, देखो वैसे भी ये तुमने मेरे लिए पैदा किया था, प्लीज आशा मुझे दे दो ये बच्चा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो इसे मैं अपने से कभी अलग नहीं करती। इसका मतलब हो सकता है कि आपके वहां से जाने के बाद वहां पर कोई और आया। हो सकता है सर कोई आया होगा। और तुम तो ये बेटी चाहते नहीं थे, फिर अचानक से मन कैसे बदल लिया तुमने? क्या करता सर, ये जिद पे अड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की जिद के आगे झुककर तुमने बच्ची को तो अपना लिया, लेकिन फिर गुस्से में आकर तुमने आशा का मर्डर कर दिया? सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। बैकवर्ड, इसको ले चलो साथ में और इसके सारे डिटेल्स भी निकाल। सर नहीं नहीं सर, नहीं सर सुनिए सर, कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर आशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे चाकू से मारा गया और इसके कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके अलावा पूनम के कॉल डिटेल से पता चला है कि आशा के मर्डर वाली रात उसके मोबाइल की लोकेशन आशा के घर के पास की थी, लेकिन उसके पति आनंद की मोबाइल की लोकेशन वहाँ की नहीं थी।
हो सकता है इस आनंद ने बड़े प्लानिंग के साथ आशा का मर्डर किया और इसलिए वो मर्डर करते समय अपना मोबाइल अपने घर पे ही छोड़ के गया था। एक मिनट रिकॉर्ड, ये देखो 12 फरवरी को आशा की मोबाइल लोकेशन उस तालाब के पास थी। उसी तालाब के पास हमें 13 फरवरी को रमेश की लाश मिली थी। तो आपको क्या लगता है ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं? चेक करने में क्या जाता है, एक काम करो, इन दोनों केसेस से रिलेटेड सारे कॉल डिटेल, सारे मोबाइल लोकेशंस दोबारा चेक करो, हो सकता है इन दोनों में कोई कनेक्शन हमें मिल जाए। सर, सर, सर कनेक्शन मिल गया। इसमें आशा के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। हाँ सर, सर ये सर आशा के मर्डर वाले दिन आशा के चौल के पास एक गाड़ी देखी गई है और ये सेम कार रमेश के मर्डर वाले दिन उस एरिया में भी देखी गई थी। आरडीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी पता कर लिया, मनोहर काले। तुम रमेश और आशा को कैसे जानते? सर मैं तो इन दोनों को नहीं जानता। अगर तुम इन दोनों को नहीं जानते तो उस दिन 12 फरवरी को तुम्हारी गाड़ी उस एरिया में क्या कर रही थी जहां से हमें रमेश की डेड बॉडी मिली? उस दिन तो उसने मुझसे कार मांगी थी ना, उसकी गाड़ी खराब थी। किसने? सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशमा शादी के बाद वहां से निकल गई थी, फिर वो कहां गई मुझे नहीं पता। सर तुझे नहीं पता, चल अभी हम तेरे को दो पिक्चर दिखाएंगे। रिकॉर्ड देखो, देखो ये वहां का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर हमें रमेश की लाश मिली थी। ये रास्ता सीधा उस तालाब के पास जाता है और ये उस रास्ते पर है गाड़ी। ये तेरी गाड़ी नहीं है, ये मनोहर काले की गाड़ी है जो तूने उससे मांगी थी। अब दूसरी पिक्चर दिखाओ। देख ये आशा के चौल, मेरे को नहीं इधर देख, आशा के चौल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज, यहां पर भी तेरी गाड़ी मौजूद है। तेरी मतलब मनोहर काले की गाड़ी जो तूने उससे मांगी थी। जहां पर हमें रमेश की डेड बॉडी मिली वहां पर भी ये गाड़ी, आशा के चौल के बाहर भी ये गाड़ी और उसके बाद आशा की भी मौत हो गई। अब बोल। नहीं सर, ये सब सर बताता हूँ सर। सर मुझे लगा था कि रेशमा भी नाज और चांद जैसी ही है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली थी। उसके बाद पंडित जी वहां से चले गए, फिर रेशमा भी जाने लगी, तब मैंने उसे रोक लिया। एक मिनट रेशमा। हाँ तू कहाँ जा रही है? जा रही, शादी होगी। अरे शादी हुई है, अभी तो सुहागरात भी बाकी है। क्या सुहागरात? हाँ सुहागरात की कहाँ बात हुई थी? ये देख मेरा मंगल बहुत भारी है और पंडित जी ने मुझे साफ साफ कहा है कि जब तक मैं सुहागरात ना मना लूं तब तक मेरे ग्रह नहीं कटेंगे, और मैं आज तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा ना तब जाके मेरी कल ज्योति से शादी हो सकती है। ज्योति से तेरी शादी होना, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। ए, पागल है क्या? 2 लाख रुपए तेरे मुंह देखने के दिए क्या मैंने? छोड़। हाँ छोड़ छोड़, क्या कर रहे हो? ये देख मेरी रस्म पूरी होनी चाहिए। सलम सलम तो आदमी है। हाँ तो फिर इसीलिए तो बोलो नहीं हो सकता है सब। देख तेरे कारण मेरी ज्योति के साथ शादी नहीं हो सकती है, क्या क्या समझी तू? अरे सब सब खराब कर दिया तूने मेरा। पंडित जी ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारी किन्नर से शादी नहीं हुई तो दूसरे दिन तुम्हारी ज्योति से शादी नहीं हो सकती। जब मुझे पता चला कि वो किन्नर नहीं है तब मुझे बहुत गुस्सा आया, और सर मैं ज्योति से बहुत प्यार करता था, इसके लिए सर मैंने मार दिया। तूने आशा को क्यों मारा? उसने मुझे रेशमा की लाश फेंकते हुए देखा था। एक दिन वो मुझे मंदिर में दिखाई दी, फिर मैंने उसका पीछा किया और
अपने अंधविश्वास की वजह से तूने दो लोगों की जान ले ली, अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। रिकॉर्ड चार्जशीट फाइल करो और उठा के डाल दो इसको अंदर। प्रदीप को रमेश और आशा के मर्डर के जुर्म में सजा मिली, केस सॉल्व हो गया। लेकिन इस केस में सोचने वाली बात यह है कि अपने हालात से हार मानकर जब रमेश ने किन्नर बनने का फैसला किया, तब क्या उसे अपने इस डरावने अंत की दस्तक नहीं मिली थी? अपना लोग, अपनी दुनिया, अपने परिवार से मुंह मोड़कर वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गया जिस दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। वो नाज से प्यार करने लगा था, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं थी, लेकिन अपनी हकीकत से मुंह मोड़कर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे ये सोच लेना चाहिए था कि कुछ रास्तों पर चलकर वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।